नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट वर्सेस Xiaomi Mi 11T Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.43 इंच जबकि 11T Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 2.98 इंच जबकि 11T Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 0.32 इंच जबकि 11T Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि GT Neo 3 5G 150 वॉट से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 188 ग्राम जबकि 11T Pro 5G में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT Neo 3 5G 150 वॉट से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 20:1:9 जबकि 11T Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.7 इंचेस जबकि 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Neo 3 5G 150 वॉट में 1080x2412 और 11T Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 87.79% जबकि 11T Pro 5G में 85.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11T Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 11T Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11T Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 11T Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में Mali-G 610 MC6 जबकि 11T Pro 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में MediaTek Dimensity 8100 और 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 12GB की RAM मिलती है जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में Android V12 जबकि 11T Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT Neo 3 5G 150 वॉट में 4500 mAh जबकि 11T Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11T Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,989 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11T Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 11T Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 10T 5G है, तीसरा Apple iPhone 12 mini है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo Reno 5 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।